नमस्कार साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार का लाभ लेने हेतु स्टेट हेल्थ कार्ड का बना होना अनिवार्य है। इस कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ जरूरी सूचनाएँ पहले से इकट्ठी करके रखनी होगी, जैसे अपने विभाग का DDO कोड, सेवानिवृत्त तिथि या डेट ऑफ रिटायरमेंट, अपनी और आश्रितों यानी कि डिपेंडेंट्स की फोटो 20 KB साइज तक, पे बैंड लेवल एज पर 7th पे कमीशन, जिससे आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर पाएँ, और साथ ही साथ परिवार के किन लोगों को आश्रितों या डिपेंडेंट में उनकी उम्र के हिसाब से काउंट किया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, यह सभी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखिएगा। सबसे पहले DDO कोड क्या है वह जानते हैं। हर एक विभाग का DDO कोड होता है, जिसको जानने के लिए आप pensiondirectorate.up.gov.in वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर ट्रेजरी नेम वाले ड्रॉपडाउन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पर उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी जिलों में ट्रेजरी ऑफिस हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप इसमें से जहाँ पर कार्यरत हैं उस जिले का ट्रेजरी ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही उस जिले की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप अपने डिपार्टमेंट जैसे पुलिस, बेसिक एजुकेशन, रेवेन्यू, PWD, सेकेंडरी एजुकेशन, पंचायती राज आदि डिपार्टमेंट के नाम के ठीक सामने DDO कोड 4 अंकों का लिखा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत सभी कर्मचारियों का DDO कोड 4354 होगा। यह बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का DDO कोड पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों के कर्मचारियों के लिए एक ही होगा। अब यहाँ से ऐसे ही आप दूसरे विभाग का DDO कोड चेक कर सकते हैं, और बाद में ही कोड आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करना होगा। अब दूसरी जरूरी सूचना, आपको अपनी सेवानिवृत्ति तिथि या डेट ऑफ रिटायरमेंट पता होनी चाहिए, जिसके लिए आप मानव संपदा पर लॉगिन करके सर्विस बुक वाले ऑप्शन पर जाकर व्यू सर्विस बुक में अपनी रिटायरमेंट डेट देख सकते हैं। अब तीसरी जरूरी सूचना में आपको अपनी व अपने परिवार के सभी आश्रितों या डिपेंडेंट्स की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 20 KB साइज की चाहिए होगी। फोटो को 20 KB साइज में अच्छी क्वालिटी में कैसे कंप्रेस करना है, उसके लिए आप फोन के क्रोम ब्राउजर में compress.jpg.net वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट के ओपन होने के बाद चूज फाइल्स वाले पर्पल कलर के बटन को टच करके आप किसी भी साइज की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड होते ही नीचे आपको कंप्रेस फोटो मिल जाएगी और फाइल का न्यू साइज भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे आपको 20 KB साइज की फोटो चाहिए, तो आप कंप्रेशन क्वालिटी के नीचे दिए गए स्लाइडर की मदद से फोटो का कंप्रेस साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यह फोटो 20 KB से कम साइज की तैयार है। इसको आप डाउनलोड बटन को प्रेस करके आसानी से फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगली जरूरी सूचना, पे बैंड लेवल एज पर 7th पे कमीशन है, जिसको आप निम्नलिखित लिस्ट में से अपने वर्तमान पे बैंड के हिसाब से लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पे बैंड 9300 से 34800 में ग्रेड पे 42 होने पर लेवल 6, 4600 होने पर लेवल 7 क्रमशः रहेंगे। इसको भी आप नोट करके रख लेंगे। अब इस कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्ड को बनवाने से आपको क्या क्या लाभ होंगे वह जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अथवा संक्षेप में स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में 5 लाख रुपए तक तथा सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। अब परिवार के किन लोगों को आप आश्रित या डिपेंडेंट मानकर उनकी उम्र के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वह जानते हैं। परिवार का तात्पर्य सेवा के सदस्य का यथास्थिति पति या पत्नी, माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित तलाकशुदा पुत्री, अविवाहित या तलाकशुदा बहनें, अवयस्क यानी कि नाबालिग भाई और सौतेली माता से है, जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतः सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं। अब किसी परिवार के ऐसे सदस्यों जिनकी उपचार आरंभ होने के समय पर सभी स्रोतों से आए 3500 रुपये
या प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक ना हो को पूर्णतः आश्रित माना जाएगा, यानी कि 3,500 रुपए तक की प्रतिमा सैलरी वाले परिवार के सदस्यों को पूर्णतः आश्रित माना जाएगा। अब आश्रितों के लिए आयु सीमा क्या है वह जानते हैं। पुत्र के लिए सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक जो भी पहले हो। पुत्री के लिए सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक जो भी पहले हो उनको आश्रित माना जाएगा। अब ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निशक्तता से ग्रस्त हो जीवन पर्यंत तक आश्रित माना जाएगा। इसके बाद तलाकशुदा पति से परित्याजित विधवा आश्रित पुत्रियों और अविवाहित तलाकशुदा पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें भी जीवन पर्यंत तक आश्रित मानी जाएंगी। और इसके अलावा अगर कोई नाबालिग भाई है तो वो भी वयस्कता प्राप्त करने तक जीवन पर्यंत आश्रित माना जाएगा। साथियों, अब इन सब जानकारियों के साथ बिल्कुल सही तरीके से कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो वह हम अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।